को सीधा लिए चलते हैं, कैबिनेट की आज बैठक थी उसके बाद अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। विजन भी होगा और जो भारत की कंपनियां हैं उनको कंपीट करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से इससे बल मिल पाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से जो ये जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस एंड लेवीज हैं इन पर रिबेट जो मिलता है इसको कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया है 31 मार्च 2024 तक। तो इससे एक स्थिरता भी रहेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड भी भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी। ये योजना 1 जनवरी 2021 से के प्रभाव से जारी रहेगी। इसके अलावा जो दूसरा निर्णय किया गया है वो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है, देश के किसान पशुपालक डेयरी क्षेत्र से जुड़ा है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने योजना यहाँ पर हम चला रहे हैं जिसमें कुल मिलाकर 9,800 करोड़ रुपया जहाँ केंद्र सरकार खर्च करेगी व्यय करेगी, वहीं पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश जो है वो लगभग 54,618 करोड़ रुपये के लगभग आएगा। इससे क्या फायदा होगा इस पर मैं कुछ प्रकाश आपके माध्यम से डालना चाहूँगा। तीन प्रमुख योजनाएं इसमें सम्मिलित हैं, पशुधन विकास योजना जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं चाहे देसी गाय हो भैंस हो भेड़ हो बकरी हो सूअर की प्रजातियां हो इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। आउटपुट और आउटकम के आधार पर इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे जिससे कि योजनाओं का व्यय जो है वो उस दिशा में हो कि पशुपालकों की आय का आय भी बढ़ सके और कुल मिलाकर जो पशुओं के लिए जो दूसरा इसमें एक पहलू है डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि आपने याद होगा एक बार हमने पहले घोषणा की थी वो थी फुट एंड माउथ डिसीज के लिए जहां पर उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेशन टीकाकरण हमने करना था। इसमें इसी तरह से डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल है इसको नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जोड़कर इनकी गतिविधियों के साथ चलाने का निर्णय लिया है कि सुदूर गांव में और दुर्गम क्षेत्रों में हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी, अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा। एक बड़ा प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।